Hey guys, welcome back to Class Go Education. This is Gaurav. So this particular video is on fundamental rights. ये एक basic video है और इसके बाद जो भी videos आएंगे fundamental rights से उसमें मैं fundamental rights को detail में explain करूँगा. अभी हम लोग कुछ important facts जानते हैं fundamental rights से related. So fundamental rights को part 3 में रखा गया article 12 से 35 और part 3 को ही बोला गया Magna Carta of Indian Constitution. ओके मैग्ना कार्टा ये इंग्लैंड की टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स ही जैसा बिल ऑफ राइट्स है. थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स की ड्राफ्टिंग किसने की. तो कराची सेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स का जो रेजोल्यूशन था वो वहाँ पे पास हुआ और ड्राफ्टिंग भी जवाहरलाल नेहरू ही ने की. कराची सेशन ये वही सेशन है जिसमें गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया. ये कराची सेशन वही है जो 26-31 मार्च में हुआ 1931 में. और इस कराची सेशन से एक हफ्ते पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई. इंडियन क्राउड उस समय काफ़ी एजिटेटेड थी, काफ़ी एंगर था. तभी जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे. इन सारी चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो कराची सेशन को. नाउ हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की क्या मोर और लेस डिफिनीशन है. सो फंडामेंटल राइट्स एज अ गारंटी है किसी भी इंडियन सिटीजन को, जिससे वो अपनी लाइफ हारमोनी और पीस से गुजार सके. ओके यहाँ पे आप देखिए ये जो डिफिनीशन लिखी हुई है यही लिखी हुई है. फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ गारंटी दैट ऑल द इंडियन सिटीजन्स कैन एंड विल लिव देयर लाइव्स इन पीस एंड हारमोनी एज लॉन्ग एज दे लिव इन इंडियन डेमोक्रेसी. ओके अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप किस तरीके से उसको डील कर सकते हो. तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉयलेशन वन कैन अप्रोच ईदर हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 226 ओके और सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस एज पर आर्टिकल 32. सो अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन लगता है तो आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो. आर्टिकल 226 में इसका रेफरेंस है, आप मेंशन है, आप इसको देख सकते हो. सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है. ओके अब हम लोग ये जानते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस होता है. तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी नेशन का संविधान बनाता है, ठीक, कि इस पर्टिकुलर नेशन के फंडामेंटल राइट्स ये हैं. ह्यूमन राइट्स क्या हैं? ह्यूमन राइट्स किसी पर्टिकुलर नेशन के नहीं हैं, कोई नेशनैलिटी के नहीं है, किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी रेस से रिलेटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल है. इसीलिए देखिए पहले पॉइंट में ये डिफरेंस मेंशन किया है मैंने कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इट इज़ स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंट्री, और जो ह्यूमन राइट्स हैं इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रेस, कास्ट, क्रीड एंड जेंडर. ओके इसका मतलब ह्यूमन राइट क्या यूनिवर्सल है. फंडामेंटल राइट्स में बोला गया है कि इट इज़ स्पेसिफाइड इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और जो भी गारंटी है वही पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन या वो पर्टिकुलर नेशन उन फंडामेंटल राइट्स को गारंटी कर सकता है. बट ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये इंटरनेशनली गारंटीड होते हैं, ठीक. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उस पर्टिकुलर नेशन जहाँ पे संविधान बना हुआ है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, वहीं पे बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन. ह्यूमन राइट में क्या है, इट इज़ इनफोर्सेबल बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हो. यू कैन पॉज डाउन द वीडियो एंड ट्राई टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स. ओके नाउ वी विल सी सिक्स फंडामेंटल राइट्स. तो जब फंडामेंटल राइट्स की ड्राफ्टिंग हुई थी उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट प्रेजेंटली हमारे पास क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स है. अभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया है. तो जो अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, देखिए मैंने उनको हेक्सागन के फॉर्म में दिखाया है, ठीक. सो पहला राइट अगर आप देखोगे तो पहला राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14-18 में आता है. उसके बाद राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19-22. उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23-24 में आता है.
उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात हुई है आर्टिकल 29 और 30 में, और आर्टिकल 32 में बात हुई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, सो आर्टिकल 14 से 32 के बीच में ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई है। इसका मतलब आर्टिकल 12 में क्या बात हुई, आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में बताया गया है। इसीलिए आप देखिए आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया है राइट टू इक्वालिटी से जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया, जो फंडामेंटल राइट हटाया गया है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1977 से राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उसको हटा दिया गया है। बट ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है तो इससे कोई दिक्कत, इसमें क्या है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ओके, और ये बोला गया है कि आर्टिकल 300A में प्रोविज़न है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन एन आर्बिट्रेरी मैनर एंड इट इज़ सेव्ड बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की उसकी प्रॉपर्टी सेफ गार्ड हो सकती है अगर वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाए, और वो प्रॉपर चैनल क्या है, अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, काइंडली डू सब्सक्राइब, रिकमेंड क्लास गो एजुकेशन टू योर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।